जग के पालनहारे नारायण नारायण हरि हरि। ध्यान से सुनिएगा ठीक है। हम सतयुग की कुछ गहरी बातों का श्रवण कर रहे हैं। तो सतयुग काल में क्या होता है, लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों को एक जैसा स्थान मिलता है, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़ी शांति होती है उनके जीवन में। पांव की तरफ उनकी धर्म पत्नी नहीं रहती है, बल्कि धन रूपी लक्ष्मी रहती है। वहाँ धन का स्थान सिर पर नहीं रहता है, वहाँ धन का स्थान कहाँ रहता है, पैर की तरफ रहता है। यहाँ पे क्या है, कलयुग में धन को सबसे ऊपर रख देते हैं और चरित्र को सबसे नीचे रख देते हैं। कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, चरित्र बिक जाए तो बिक जाए, पर पैसे तो आने के लिए और पैसे कमाने के लिए पूरे चरित्र को बेच बेच के धन कमा रहे हैं। और आज उनको देख देख करके और भी लोग आकर्षित हो रहे हैं और कहते हैं हम भी पैसा कमाएंगे। और क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए चरित्र को बेच देते हैं, वेशभूषा बदल देते हैं, यहाँ तक अपनी संस्कृति को भी अब पूरी तरह से हम भुला बैठते हैं। पर ये सब चीजें हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। तो सतयुगी काल में धन बड़ा नहीं था, वहाँ पर चरित्र बड़ा था। पर कलयुग में क्या बड़ा है, धन बड़ा है। क्या बोलते हैं, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, यहाँ कलयुग में धन गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन धन चला गया तो सब कुछ चला गया। पर ऐसा नहीं होता था, पहले परिभाषा अलग होती थी। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन जब चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन आज चरित्र की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, धन की होड़ में कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बेईमानी का, अत्याचार का, गलत कर्म कर करके पैसा कमा रहे हैं। और फिर वही गलत धन हमारे जीवन में क्या लाएगा, दुख लेके आता है, परेशानियां लेके आता है। और हम कहते हैं भगवान हमारे साथ में आप बड़ा गलत करते हैं। और आप बताइए कि भगवान कभी किसी के साथ में गलत करेंगे, ऐसा है। तो ये सत्यनारायण जी का सच्चा व्रत हमें सिखाता है कि हमें अच्छा करना है तो अच्छा मिलेगा, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो हमको आत्मभाव में रहना है, चरित्र को ऊंचा स्थान देना है, ना कि धन को। धन संपत्ति जायदाद अपने आप चरणों की दासी बनकर सतयुग में पीछे पीछे होते रहता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हमारा जीवन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मनुष्य की धारणाएं और सोच हमारी थोड़ी सी नीची हो गई, इसलिए धन के पीछे हमको खूब मेहनत करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करना पड़ता है और घर चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो आइए दिव्य गुरुओं की खुशबू से अपने जीवन को ऐसा हम प्यारा सा और श्रेष्ठ सा बनाएं और जीवन में सुख शांति भरे। सच्ची सत्यनारायण जी की कथा यही शिक्षा देती है कि साधारण नर ने जब अपने जीवन में परिवर्तन न किया, प्रतिदिन योग किया, भगवान का ध्यान किया, दिव्य गुण लेकर आए, और जब उन्होंने प्रतिदिन सत्संग किया तो उनके जीवन में अपने आप परिवर्तन आया और वही साधारण नर एक दिन नारायण पद को प्राप्त कर लिए। और वो क्या बन गए, नारायण बन गए। और वो नारी जो बैठ करके ध्यान तप तपस्या कर रही थी, वो भी क्या बन गई, श्री लक्ष्मी जी बन गई। और उन्होंने श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का पद प्राप्त कर लिया। तो आए हम सब भी सच्ची सत्यनारायण जी की कथा को आज सुन करके जीवन में कम से कम उतने दिव्य गुण तो ला ही सकते हैं। थोड़ी सी शांति से भी रह सकते हैं, थोड़ी देर शांत मतलब मन को बिठा लें, थोड़ा 5 मिनट भगवान से शांति की किरणों को ले लें, तो आपका मन कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। भगवान की याद करने से मन कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शांति आ जाएगी, अपने आप जीवन में क्या आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। तो ये बाहर किया गया हर कर्म कहाँ करना है, यहाँ करना है। आपने बहुत बार कथा सुनी होगी, पर अंदर करना है, अंदर सुधारना है, ये कभी नहीं सुना होगा। तो वो तो कथा अपने को 5 खंडों वाली सबको पता है, जो रेवा खंड में है, स्कंद पुराण में है। अब सारे शास्त्रों को यदि उनका सार को समझने की कोशिश करें तो एक ही चीज आती है कि हमें भगवान का ध्यान करते रहना है, कोई भी हमसे पाप कर्म नहीं होना चाहिए, जीवन का हर कर्म हम सोच समझ कर करें और सही करें, तो हमारा जीवन सदा सही दिशा में चलता रहेगा।